हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल क्रेन को हम कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए आपको वीडियो को जो है पूरा देखना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्रेन के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जैसे ही हमारे साइट पर कोई अगर नई क्रेन आती है तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वो जो क्रेन है उसका टीपीआर सर्टिफिकेट वहां पर है क्या। अब टीपीआर सर्टिफिकेट यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो वहां पर है क्या, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि क्रेन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का इंश्योरेंस जो है वो वैलिड है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद है पीयूसी। तो ये जो है ये क्रेन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो क्रेन ऑपरेटर उस क्रेन के साथ में है उसके क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आता है कि क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस वैलिड है क्या, वो हमें चेक करना होता है। अब क्रेन जो है वो हेवी मोटर व्हीकल में आती है, यानी कि उसका एचएमवी का वैलिड लाइसेंस है क्या, वो हमें वहां पर चेक करना होता है। फिर उसके बाद है ऑपरेटर का टीपीआर सर्टिफिकेट है क्या, यानी कि उसका कॉम्पिटेंसी कार्ड जो है वो उसके पास है क्या, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन ऑपरेटर के पास उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, तो वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद आता है आई टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि क्रेन ऑपरेटर का आई टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी हमें चेक करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये क्रेन ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है क्रेन के कंडीशंस को। तो क्रेन की कंडीशंस हमें कैसे पता चलेगी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्रेन का हुक और हुक लैग जो है वो हमें चेक करना होता है कि उसकी जो कंडीशंस है वो सही है या नहीं है। फिर उसके बाद है कि क्रेन के अंदर SLI जो इंडिकेटर है उसकी कंडीशन जो है वो हमें चेक करना होता है, SLI यानी कि सेफ लोड इंडिकेटर। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि क्रेन के अंदर लोड चार्ट है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो भी मूविंग पार्ट्स हो या फिर रोटेटिंग पार्ट्स हो वो गार्डेड है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो वायर रोप होता है उसकी कंडीशन सही है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि हमें क्रेन में जो भी लिमिट स्विचेस है उसको हमें चेक करना होता है कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, जिसमें आता है ओवर लोड लिमिट स्विच हो गया, बूम लिमिट स्विच हो गया और बूम लिमिट कट ऑफ स्विच हो गया। तो ये जो है ये वर्किंग कंडीशन में है क्या, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें क्रेन का हाइड्रोलिक जो सिलेंडर है उसकी कंडीशंस कैसी है वो हमें चेक करना होता है। उसमें हमें देखना होता है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में कहीं पर लीकेज तो नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि क्रेन की जो बैटरी है और क्रेन के जो लैंप्स है यानी कि जो लाइट्स है उसकी कंडीशन सही है और वो वर्किंग कंडीशन में है, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो रिवर्स हॉर्न हो या फिर स्विंग हॉर्न हो वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद है कि क्रेन के जो आउटरिगर्स है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होते हैं क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये जो सारे पॉइंट्स है इसके जरिए हम क्रेन की कंडीशंस जो है वो कैसी है उसका पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि मोबाइल क्रेन को हम कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।